Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ये हमारा एक्सपेरिमेंट है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें हमने बार जो है ये वाला जो बार हम लोगों ने यूज़ किया है इसकी बेंडिंग फाइंड करनी है और इस बेंडिंग को यूज़ करते हुए हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करना है। ये हमारे पास उसी तरह स्फेरोमीटर जो हमने पहले इस्तेमाल किया है उसका डायल गेज है। ये हमारे पास बार है, इस बार की लेंथ आप लोगों ने मेजर कर लेनी है, ये इस नाइफ एजेस से इस नाइफ एजेस तक। ये हमारे पास तकरीबन आती है 48 सेंटीमीटर आती है, तो अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.48 आ जाएगी। इसके अलावा आपने वर्नियर कैलिपर जो है वो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, उस वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हुए आपने इस बार की थिकनेस फाइंड करनी है और इसकी विड्थ फाइंड करनी है। ये हमारे पास वेट है 5 ग्राम की और 10 ग्राम के, आप यूज़ जो कर सकते हैं, हम जो यूज़ करेंगे हम 5 के करेंगे। इस अरेंजमेंट में आपने इसको पहले सेट कर देना। सबसे पहले जो है जैसे ही मैं 5 ग्राम ऐड करूँगी, ये हमारे पास जो बेंडिंग होगी वो तकरीबन पहुंच गई है। ये इसका मेन स्केल उसी तरह, ये हमारे पास आ रही है 10 उसके लीस्ट काउंट में, इसका मतलब ये आ रही है 0.10 mm। इसके बाद मैं एक और ऐड करूँगी वेट, तो ये 10 ग्राम हो जाएगा। ये हमारे पास बेंडिंग जो पहुंच गई है वो तकरीबन 19 जो है उसकी है, मेन स्केल की रीडिंग हमारी वही रही जबकि दूसरे हमारे पास 19 हो गई। इसी तरह हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये हमारे पास इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ बार बी, थिकनेस विड्थ ए, एफ वाई फोर्स हमारे पास है जो हम न्यूटन में यूज़ कर रहे हैं, लैम्डा जो है वो हमारे पास थिकनेस है। अब अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यूज जो आती है ये हमारे पास आती है 2 × 10^11 और ये आती है 2.1 × 10^11, जिसकी मीन वैल्यू जो आती है वो आ जाएगी हमारे पास 2.05 × 10^11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरह ये वाली जो बार है इसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट बार्स होती हैं, आप डिफरेंट बार्स को रख के उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड कर सकते हैं।